2019 में ये मेरा पहला वीडियो है और अब मैं पिकनिक मना के वापस आ गया हूँ और आ गया हूँ आपके लिए सुपीरियर कंक्लूजन लेकर। तो शुरू करते हैं, आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो उन अपडेट्स को बताने के लिए आपको वीडियो और आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंक्लूजन। वेट कर रहे हैं कि कब से एवेंजर 4 का ट्रेलर आएगा। एवेंजर 4 का सेकेंड ट्रेलर मैं कोई आइडिया लगा सकता हूँ, अंदाज बता सकता हूँ, बट कंफर्म नहीं कर सकता कि ट्रेलर उसी दिन आएगा या उसके 10 दिन बाद, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले, मैं वो तो नहीं बता सकता, बट मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ। और शायद जिस टाइम मेरा अगली बार गैस सही हुआ था तो उस बार भी मेरा गैस सही। अब हम जो आइडिया लगाएंगे वो आइडिया खुद मार्वल की तरफ से ही रेकमेंड किया जाता है हमेशा और हमेशा। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल को रिलीज हुई थी, तो उसी तरह से एंड गेम जो रिलीज होने वाली है 26 अप्रैल को। तो आप जानते हैं हम तो सिर्फ थ्योरी ही सोच सकते हैं, जो मेन डिसीजन वो तो एमसीयू वाले ही करते हैं। जहां इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर 29 नवंबर को रिलीज हुआ था, वहीं एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर 7 दिसंबर को रिलीज किया गया, तो लगभग 1 वीक बाद, 1 डे अगो, बट इस तरह से ही कुछ सिमिलर दिख रहा है। वहीं जहां 16 मार्च को रिलीज हुआ था इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर, तो हम सोच सकते हैं कि शायद मुझे लगता है ये मार्च में रिलीज होगा। तो उसका मतलब पूरा मार्च हमें हर एक दिन लगेगा कि ट्रेलर आ जाएगा, शायद ट्रेलर कल आएगा, शायद ट्रेलर परसों आएगा, शायद ट्रेलर आज ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा मार्च के महीने में। तो जहां तक मुझे लगता है ये कैप्टन मार्वल मूवी के बाद रिलीज होगा, जिस तरह लास्ट टाइम ब्लैक पैंथर मूवी जो फरवरी में रिलीज हुई थी उसके बाद मार्च में इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आया, उसी तरह मार्च में पहले मूवी आएगी कैप्टन मार्वल, उसके बाद ट्रेलर आएगा सेकेंड एवेंजर्स 4 का। एंड गेम का ट्रेलर मार्च के 20 तारीख तक जरूर आ जाएगा, या 20 तारीख के बाद, यानी कि 30 तारीख से पहले जरूर आ जाएगा। बहुत सारी थ्योरीज फैली हुई है कि एवेंजर्स 4 की स्टोरी क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो इस पे मेरा नहीं, मेरे टीजर का एक नया आइडिया आया है, और वो आइडिया है कि अगर किसी चीज का ज्यादा इंतजार किया जाए और उसके बारे में ज्यादा सोचा जाए तो उसके बारे में कुछ नई नई बातें हम पता लगाते रहते हैं। तो इसी लगाने के चक्कर में हमें एक नया प्लॉट रिलीज हुआ है जो रेडिट यूजर की तरफ से हुआ है, और ये रेडिट यूजर ने ये दावा कर रहे हैं कि किस तरह से एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी चलेगी और किस तरह से सब कुछ होगा। और वो तो ये भी कह रहा है कि ये सच में एंड गेम ही होगा, यानी कि सब कुछ खत्म, अब एक नई एंडिंग, और ये एंडिंग किस तरह से होगी यही बात ये रेडिट यूजर कह रहा है। और ये चीज ये भी कह रहा है कि मूवी स्टार्ट कुछ इस तरह से होगी, जहां मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाया जाएगा, जहां टोनी को रेस्क्यू करने के लिए कैप्टन मार्वल वहां स्पेस में आएगी और वो उसे लेकर अर्थ में जाएगी, जहां अर्थ पर टोनी स्टार्क सारे सुपरहीरो को गाइड करेगा, जहां टोनी के कहने पर थॉर, रॉकेट और इपरी एक नया मुष्टिबंध बनाएंगे और बाकी के बचे सुपरहीरो थैनोस से लड़ेंगे। और ये क्यों लड़ेंगे, क्योंकि थैनोस को पता चल जाएगा कि एक नया मुष्टिबंध बनाया जा रहा है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा कर सुपर हीरोज चुटकी को अंडू करेंगे, जिस तरह से फिर से सारे सुपर हीरोज वापस आ जाएंगे। तो जितने भी सुपर हीरो हैं जो अभी इटरी या थॉर के साथ नहीं है, वो यहाँ पर टोनी की मदद करेंगे हराने में थैनोस को, और यहाँ पर कोई एक सुपर हीरो जो उस मुष्टिबंध को पहन कर फिर से चुटकी बजाएगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, और थैनोस को हराने में या हल्क भी साथ देगा, पता नहीं सब मिलकर थैनोस का क्या हाल करेंगे। ये तो बहुत ही बुरा होगा, थैनोस मर जाएगा, मैं तो इससे रो ही दूंगा। यहाँ शॉक्स खत्म नहीं होंगे, यहाँ एक और शॉक होगा, जो भी गॉन्डेट को पहनेगा यानी कि मुष्टिबंध को, वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा, तभी ये अंडू सक्सेसफुली हो पाएगा ताकि बाकी सुपर हीरो जीवित हो सके। तो ये थी वो थ्योरी जो अभी मुझे पता चली थी। तो अब बात करते हैं कि टोटल हमें अगले साल 7 मूवी देखने को मिली थी, 12 महीने में 7 मूवी, नॉट इम्प्रेसिव, बट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने तो हमें हिला के रख दिया था। तो इस साल भी एंड गेम आने वाला है, तो डेफिनेटली ये तो हमें हिला ही देगी, मगर इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कुछ फिल्में आ रही है। 8 मार्च को रिलीज होगा सबसे पहले कैप्टन मार्वल, और उसके बाद आएगा 5 अप्रैल को शज़ाम, और उसके बाद होगा 2019 की सबसे बड़ी फिल्म 26 अप्रैल को एवेंजर्स एंड गेम, जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, और आगे रिलीज होगी उसके बाद में जून रिलीज होगा
एक्समैन डार्क फिनिक्स, जिसकी स्टोरी लगभग हम एक्समैन की पिछली फिल्मों में देख चुके हैं। और क्या उसमें सिमिलर स्टोरी दिखाई जाएगी या कॉमिक्स से रिलेटेड, ये तो हमें मूवी में पता चल जाएगा। उसके बाद हमें 5 जुलाई को दिखेगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और इसमें स्पाइडरमैन की फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी, और जिससे हमें पता चल गया है कि एंड गेम में स्पाइडरमैन तो किसी तरह बच ही जाएगा। और या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्पाइडरमैन की पहले की स्टोरी दिखाई जाए। उसके बाद 2 अगस्त को रिलीज होने वाला है द न्यू म्यूटेंट्स, और इसमें लगभग थोड़ी हॉरर मूवी दिखाई जाएगी, जहां म्यूटेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो हमें दिखाया जाएगा इस मूवी में। और क्या ये एक्समैन से कनेक्ट हो पाती है या नहीं, ये तो हमें मूवी देख के पता चल जाएगा। और ये बात कंफर्म नहीं है कि ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्वल यानी कि डिज्नी और फॉक्स के डील के बाद शायद इस फिल्म को बंद कर दिया जाए, या इसकी स्टोरी या इसके किसी प्लॉट को आगे शिफ्ट किया जाए, या क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। और ये शायद एक्समैन यानी कि फॉक्स की बनाई हुई आखिरी एक्समैन मूवी हो। और अब आने वाली है 4 अक्टूबर को जोकर, जिसमें जोकर की अलग स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि जोकर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने बैटमैन की माँ बहन करके रख दी। तो वीडियो एंड करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस ईयर हमारे पास लास्ट ईयर से भी ज्यादा मूवीज मिलने वाली है हमें देखने को, और इस बार तो एंड गेम ही आने वाला है जो सबका गेम खत्म कर देगा। मगर वो गेम खत्म करेगा ना करेगा वो तो हमें अप्रैल में मालूम चलेगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलूंगा किसी और कंक्लूजन के साथ। मैं इतने दिन बाद आया हूँ इसीलिए फिर से कह रहा हूँ, मेरे दूसरे चैनल सुरेंद्र वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप सुपर हीरो रिलेटेड न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं। तो मैं इस पे कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की, बट अपलोड इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऑफिस का वर्क आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है इस वजह से। बट मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 5-6 या 7 वीडियो लाने की कोशिश मैं करूंगा ही। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये मैंने बोला, ये मेरे अंदर का सिम्बॉइज बोल रहा था, और इसका नाम है एनम। ये वैनम का चचेरा भाई है जो पता नहीं मेरे अंदर कहां से आ गया और मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मगर मैं इसे समझा लूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टिल देन बाय। आप यहां पहुंचे यानी कि आपने वीडियो को कंप्लीट किया, तो एक सच्चे सुपर हीरो की तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।